काक्षवाई का मतलब है विश, और कोई विश है इसका मतलब वो अभी रियलिटी नहीं है, काक्षवाई इमेजिनेशन है अभी वो। तो जनरली हम लोग काक्षवाई, ये क्या है वो बताऊंगा आपको, लेकिन ये यूज जो हम करते हैं काक्षवाई का यूज करते हैं अपने विश को प्रकट करने के लिए। विश, कोई ड्रीम है आपका, वो विश रियल है कि अनरियल है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने विश बताते हो। काश मैं कार खरीद लूं, जिसके पास कार नहीं है उसके लिए कार सपना है, तो वो बोलता तो है काश हमारे पास भी कार हो। किसी के पास कार नहीं है, किसी के पास घर नहीं है, वो सोचता है काश मेरे पास घर हो, काश मेरे पास दोस्त हो, काश मैं जर्मनी में हूँ, काश पेन सोने का हो, कुछ भी आ सकता है दिमाग में। तो किसी के ये भी आ जाए काश मैं बंदर हूं, कुछ भी आ सकता है। तो अब वो बंदर बन नहीं सकता, वो हम भी जानते हैं जो आदमी बन गया उसकी संभावना बहुत ही कम है, बहुत ही क्या है ही नहीं, बंदर तो क्या बनेगा, वो बंदर की हर तरह की हरकतें कर सकता है लेकिन बंदर नहीं बन सकता। लेकिन कोई बोले प्रेसिडेंट, भाई बन भी जाए कोई भरोसा नहीं आजकल है। सो विश कैन बी रियल और अनरियल, डजंट मैटर, बट आप अगर वो सेंटेंस बनाओगे तो काक्षवाई से बनाओगे। एक बात तो ये, इसमें और भी चीजें आती हैं जैसे विश है, इसके अलावा पोलाइटली कोई चीज को बोलने के लिए भी काक्षवाई यूज करते हैं। जर्मन में विश को बोलेंगे वुंश, वुंश, ह्योफ्लिस्काइट, पोलाइटनेस, ह्योफ्लिस्काइट, राटश्लेग है, राटश्लेग का मतलब है एडवाइस, किसी को एडवाइस देना हो, पोलाइटली कोई बात कहनी हो, या अपनी विश के बारे में कोई बात आदमी बात करे, काश मैं डॉक्टर बन जाऊं, अरे टीचर बन गया इसमें संतुष्ट है भाई, लेकिन आ जाए कई बार कि किसी डॉक्टर को देखा कि मजे कर रहा है, आपको लगता है कि आप भी डॉक्टर बन जाए, कुछ भी दिमाग में आते हैं, काश मेरे चश्मा लग जाए, अरे नहीं, लेकिन आ जाए दिमाग में कि यार चश्मे से अच्छे लगते हैं लोग, अपने भी चश्मा हो तो आ जाए दिमाग में। तो कुछ भी आ सकता है दिमाग में, जिसके लग गया वो सोच रहा है मेरा चश्मा हट जाए। सो काक्षवाई का मतलब है विश, मींस दैट इज नॉट रियल। अगर मैं बोलूं आई हैव ए पेन, तो ये काक्षवाई नहीं है, दिस इज द फैक्ट। काक्षवाई मींस विच इज नॉट फैक्ट, स्टिल इट्स विश, मोस्टली विश के सेंटेंसेस में बनेंगे। सो दो वर्ब लिखता हूं मैं यहां, उन दो वर्ब से ही ज्यादातर काक्षवाई के काम हम लोग कर लेंगे। आई एम टीचर, ये कौन सी वर्ब है इसमें, वर्ब कौन सी यूज कर रहा हूं मैं, आई एम टीचर, जाइन वर्ब कर रहा हूं। आई हैव ए पेन कौन सी वर्ब है, ये हाबन, ओके। सो जाइन एक वर्ब है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, और हाबन एक वर्ब है, टू हैव और टू बी, टू बी, टू हैव। Sein का पास्ट होता है वारन, हाबन, हाबन का पास्ट होता है हाटन, हाटन। सो पहले तो अपन का कंजुगेशन करते हैं, Sein का करते हैं, कई दिन हो गए लिखी नहीं इस वर्ब को, he's been do this air s g is Ist, ist, wir sind, ihr seid, sie sind, sie sind. Okay. Waren ist der Past hier, so ist es ich, war, du, warst. War, 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 wir waren, ihr wart, waren, waren. Haben का होगा ich habe, du hast, hat, 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 haben जो नॉर्मल वर्ब है, हैप्ड,
हाबन हाटन का होता है, इस हाटा डू हाटेस्ट हाटे वीर हाटन ईयर हाटेड हाटन ये वर्ब है। तो ये तो है प्रेजेंट में, फर्स्ट वाला ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है, और हम बात कर रहे हैं काटस्वाई की। तो इसका मतलब है कि हम लोग जाइन और वारन, ये तो हकीकत है, जाइन और वारन हकीकत है। जैसे मान लो एक हकीकत प्रेजेंट में है, एक पास्ट में है। मैं कोलकाता में था 2009 में, मैं कोलकाता में था, तो ये तो हकीकत है, सच में मैं कोलकाता में था, मैं सीमेंट्स में काम करता था। मैं जयपुर में हूं, ये तो फैक्ट है, मैं जयपुर में हूं। तो फैक्ट का काटस्वाई से कोई लेना देना नहीं। तो मैं कोलकाता में था, मैं यहां पे हूं, इसका काटस्वाई से कोई लेना देना नहीं है। आई हैव ए पेन, मेरे पास पेन है, मेरे पास पेन था। आई हैड ए पेन, तो ये प्रेजेंट है बट फैक्ट है, और ये पास्ट है, इसका काटस्वाई से कोई लेना देना नहीं है। ये मैंने लिखा इसलिए है क्योंकि जो काटस्वाई की फॉर्म होगी वो हो सकता है आपको थोड़ी सिमिलर सी लगे, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाएं। फैक्ट, ये फैक्ट है दोनों, और वो इमेजिनेशन है, वो ड्रीम है। तो जब काटस्वाई के सेंटेंस बनेंगे वो दिखने में थोड़े थोड़े ऐसे लग सकते हैं आपको, जैसे इसी की काटस्वाई फॉर्म होगी तो वो होगी वैरन। तो इसको आप वारन मत समझ लेना, इसके उमलाउट लगा हुआ है वैरन, तो इसके साथ होगा इस वैरे, इसके साथ होगा इस वैरे, डू के साथ होगा डू वैरेस्ट, एरएससी वैरे 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 वैरन वैरेट वैरन वैरन, ये हो गया वैरन। ये काटस्वाई फॉर्म है, सेंटेंस बनाएंगे अभी, जब भी आप इमेजिनेशन के सेंटेंस बनाओगे तो आप वैरन से बनाओगे। ऐसे ही हाबन का काटस्वाई फॉर्म जब हम लोग करेंगे तो वो होगा हेटन, ये उमलाउट है ऊपर, यहां सही नहीं बनी इसकी, हेटन। तो इसके साथ इस हेटर, डू हेटेस्ट, एरएससी हेटर 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 वीर हेटन ईयर हेटेड जी हेटन एंड जी हेटन, ये काटस्वाई है, ये हाबन की काटस्वाई फॉर्म है, ये जाइन की काटस्वाई फॉर्म है। तो जब भी हम लोग काटस्वाई मतलब इमेजिनेशन की बात करेंगे तो कैसे बनेंगे, देखो सेंटेंस, अगर मैं बोलता हूं आई एम इन जयपुर, ये तो फैक्ट है, इश बिन इन जयपुर, ये काटस्वाई नहीं है। आई वॉज इन जयपुर, आई वॉज इन कोलकाता, इश वार इन कोलकाता, तो ये दोनों काटस्वाई नहीं है। काटस्वाई होगा काश मैं कोलकाता में हूं, काश मैं, अब मैं कोलकाता में नहीं हूं, काश मैं कोलकाता में हूं, तो इसमें होना वर्ड तो वो की वही है ना, आई एम इन कोलकाता, आई वॉज इन कोलकाता, आई विश आई वर इन कोलकाता,
तो क्या होगा, इश वेर है, इश वेर है, जो कांसवाई फॉर्म है आपकी वो काम में आएगी, कांसवाई फॉर्म आपकी काम में आएगी, इश वेर है इन कोलकाता, मैं टीचर हूं इसमें लेरर, मैं योगा टीचर था इस बार योगा लेरर, बट ये तो हो गया फैक्ट सपोज, लेकिन कास मैं फ्रेंच टीचर हूं या कास मैं सोल्जर हो जाऊं हूं। अब देखो हिंदी में कभी तो लोग बोलते हैं कास मैं हूं, कभी लोग बोल देते हैं कास मैं होता, एक ही बात है, मतलब जो फैक्ट नहीं है उसी की तो बात कर रहे हो, काश मैं हूं काश मैं होता, तो बात वही है। सो इश वेर है सोल्डाट, काश मैं सोल्जर होता, इश वेर है, अब वेर है, वेर है तो ओरिजिनली जाइन जाइन वर्ब भी तो है, तो जाइन वर्ब होने का मतलब यह है कि इसके बाद में जो भी आएगा नॉमिनेटिव तो आएगा, ओरिजिनल तो जाइन वर्ब ही है। अगर मैं बोलूं काश मैं तू हूं, मैं तो तू नहीं हूं, तुम तो तू हो और मैं तो मैं हूं, लेकिन दिमाग में आ सकता है कि काश मैं तू हूं, तो हो जाएगा इस वेरे डू, इस वेरे डू, काश मैं तू हूं, मेरे पास घर है, इस हाबे ein Haus, ich habe ein Haus, तो ये तो हो गया फैक्ट, लेकिन मैं अगर बोलूं काश मेरे पास भी घर हो, काश मेरे पास घर हो, तो इससे पता चल गया कि वर्ब तो हाबे नहीं चाहिए लेकिन कांसवाई फॉर्म चाहिए उसकी, तो क्या होगा, करेक्ट, इस हेटे इस हेटे आइन हाउस, काश मेरे पास घर होए, काश मेरे पास घर होता। अब कब हमको हाबन यूज करनी है, कब हमको जाइन वर्ब करनी है, ये हमको अपने आप ही दिमाग में फिट है अपनी खोपड़ी में, वो वैसे ही आना चाहिए। जैसे मैं बोलूं कि काश मैं सोल्जर हूं, तो होना वर्ब तो जाइन है ना, तो अपने आप आपको दिमाग में आएगा कि जाइन, काश मैं डॉक्टर हूं, जाइन होने की बात है, इश वेर्ड है आर्ट्स्ट, इश वेर है आर्ट्स्ट, इश वेर है काश वाई इमेजिनेशन में, इश वेर है आर्ट्स्ट, मैं डॉक्टर हूं इस बिन आर्ट्स हो जाएगा, और काश मैं डॉक्टर हूं इस वेर है आर्ट्स्ट, मेरे पास पेन तो है, काश मेरे पास सोने का पेन हो, तो नॉर्मल पेन है वो, तो मेरे पास एक पेन है, ये सेंटेंस तो बन जाएगा, हैव आएगी ना वर्ब, बिन थोड़ी आएगी, तो पहले नॉर्मल सेंटेंस आई हैव ए पेन, ये कैसे बनेगा, आई एम गुली, तो आपको पता है हाबन आएगी और हाबन से एक्यूजेटिव हो गया, ये भी पता है क्योंकि हाबन है ही एक्यूजेटिव, तो ये तो कास्वाई नहीं हुआ, लेकिन अगर इसको कास्वाई बनाना हो, कास मेरे पास पेन हो, आइनन कूली, कास मेरे पास सोने का पेन हो, तो यहां पे वो और लग जाएगा गोल्डनन, एडजेक्टिव जो भी होगा वो लग जाएगा, मतलब काश मेरे पास ब्लैक पेन हो, काश मेरे पास रोड रेड पेन हो, तो उससे बाकी कोई दिक्कत नहीं है, इश हेटे आइनन रोटन कुली, इश हेटे आइनन गोल्डनन कुली, वो वैसा का वैसा लगता रहेगा जैसा अभी तक लग रहा था, यहां तक क्लियर है, ठीक है, ये तो हुआ कांसवाई का नॉर्मल फंडा। लेकिन चक्कर क्या है कि यह हावन और इसी से काम नहीं चलता जिंदगी में, जिंदगी में और भी वर्ब चाहिए होती है ना, मतलब हाथ, अगर मान लो यही वर्ब काफी होती तो फिर ये काउफन और ये किस लिए बनी है, ये भी तो आएंगी कभी,
उन वर्ब को अगर जरूरत पड़ जाए काम में लेने की, ये तो कैच फाइव फॉर्म हो गया सीधा, है ना, ये कैच फाइव फॉर्म हो गया सीधा। लेकिन मान लो हमको इनके अलावा हबन और जाइन के अलावा अगर कोई वर्ब काम में लेनी हो तो फिर हमको इधर भी कुछ करना पड़ता है। कैच फाइव में ये पास्ट से ही का कोई लेना देना नहीं है, जो बात करी है ना अपन ने, हमने जो भी बात करी है इसका पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये मैंने इसलिए लिखा कि ताकि हम लोग उसको कभी कोई बात भी नहीं पूछे, पहले बता दूं भाई ये अलग है ये चीज। तो काचवाई हेटन है, काचवाई बैरन है। अब हम हाबन और जाइन के अलावा कोई भी थर्ड अक्स वाई जेड वर्ब तो हजारों है, हाबन और जाइन के अलावा कोई थर्ड वर्ब दिख जाए तो दिखते ही आपको एक काम करना है, व्यूडन करके एक वर्ब काम में लेनी है। उस टाइम पे हमको व्यूडन करके एक वर्ब काम में लेनी है, व्यूडन। इसका कंजुगेशन और सीखना पड़ेगा, इश व्यूडे, डू व्यूडेस्ट, एयर व्यूडे, एस व्यूडे, जी व्यूडे, वियर व्यूडन, ईयर व्यूडेट, जी जी व्यूडन, हाबन जाइन व्यूडन, इनसे बन जाएगी आपके सारे कक्ष फाइव। अभी हाबन जाइन व्यूडन, जैसे मान लो आप सेंटेंस बनाओगे, ये मतलब अगर जाइन और हाबन के अलावा कोई भी थर्ड वर्ब आपको यूज करनी है, थर्ड वर्ब क्यों यूज करनी है, क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं बोलता रहूंगा कि काश मैं टीचर बन जाऊं, काश मैं धोबी बन जाऊं, काश मैं बंदर खरीद लूं। कभी खरीदना भी आ सकता है ना दिमाग में, कभी किसी के मन में यह आएगी सपोज कि मैं जर्मनी चला जाऊं, तो जर्मनी जाना, तो जाना मतलब गहन भी आ सकती है, जब गहन आएगी तो कैसे बनाएंगे, ये तो काम इसका केवल जाइन का और हाबन का ही है। अगर कोखन, अगर कोखन वर्ब आ जाए तो कैसे करोगे, कोखन अगर वर्ब आ गई तो ये तो कोखन नहीं है, ये तो हैव है, हाबन ये तो जाइन है, इनका तो मीनिंग तो रहेगा तो वही ना, आई विश आई हैव, आई विश आई वर, दो ही रहेगा इसका मीनिंग तो। लेकिन जैसे काउफन आ गया दिमाग में, ब्रिंगन, नेमन, गेबन, लाखन, जागन, ऐसे कोई भी अदर देन दीज टू कोई भी थर्ड वर्ब आ जाए, हजारों वर्ब में से कोई भी आ जाए इनके अलावा, और आपके मन में कोई विश आए काश मैं जर्मनी चला जाऊं, तो आप व्यूडन प्लस इन्फिनेटिव से बनाएंगे फिर, व्यूडन प्लस इन्फिनेटिव। तो काश मैं जर्मनी चला जाऊं, इश व्यूडे नाख डूचलैंड फ्लीगन, फ्लीगन वर्ब आ गई तो हम लोग बोलेंगे इश व्यूडे नाख डूचलैंड फ्लीगन। हेलो, इश व्यूडे ना डॉयचलैंड फ्लीगन, व्यूडे प्लस इन्फिनेटिव, ये काचवाई है। मौसम ठीक है आज तो, पकोड़े बना लें, मजा आ जाए अगर काश पकोड़े बन जाएं, पकोड़े बन जाएं तो पकोड़े, पकोड़ा कोखन ये हो सकती है वर्ब कोखन, तो क्या होगा, कोखन आ गई तो वीर व्यूडन, काश हम पकोड़े बना लें, वीर व्यूडन कोखन। कॉन्जंक्टिव स्वाई है,
गलत पढ़ा दिया। एवन में कब किसने पढ़ा दिया तुमको? तुम कौन सी में हो अभी? ए टू में तो अब आए हो। हाँ ओके, हाँ फिर तो ओके। वो किसी ने और नहीं बताया होगा, मैं तो ऐसे ही बताता हूँ। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करता हूँ एक्चुअली, मैं अपने हिसाब से करता हूँ। हर एक वर्ब का कात्स्वाई होता है। तुम बोल गए तो चलो बता देता हूँ। जैसे जितनी भी वर्ब हैं, हजारों वर्ब हैं, तो हजारों वर्ब के कात्स्वाई फॉर्म भी अवेलेबल है। जितनी भी वर्ब है ना जितनी भी, जैसे मान लो गेहन है, तो गेहन का भी कात्स्वाई होती है अलग से वर्ब। माखन की कात्स्वाई होती है अलग से जुखन की। हर एक वर्ब की कात्स्वाई फॉर्म होती है, लेकिन अपन को जरूरत ही नहीं है सीखने की। हमारे पास तो व्युडन प्लस इन्फिनेटिव है, क्योंकि मैं कहाँ जाऊँगा। हेल्फन की कात्स्वाई होती है हुल्फन, तो ये हुल्फन याद करूँगा। फिर केमन का होगा खेमन, तो वो अलग अलग हजार याद करूँगा, तो मैं उसी में पूरा हो जाऊँगा, फिर भी शोर नहीं रहूँगा। तो उसका ये शॉर्टकट है। बिल्कुल आपने सही किया, और जिसने भी आपको पढ़ाया अच्छा ही पढ़ाया ऐसा है, लेकिन ये उसका शॉर्टकट है कि तो हर वर्ब का कात्स्वाई लर्न करो। एक ये शॉर्टकट है जाइन का, हबन का, प्लस व्युडन प्लस इन्फिनेटिव, हमेशा ही सही जाएगा। बिट शॉन सो इश व्युड कोखन, इसका मतलब है काश हम लोग कुक कर लें, काश। सो अब आप कोई भी तरह की विश अपनी प्रकट कर सकते हो। कुछ कुछ एक आध सेंटेंस बनाओ, जो भी आपके मन में है बोलो। पूरी भी हो सकती है, शाम का टाइम है, कार खरीदना, काश मैं कार खरीद लूं, तो क्या होगा? एश एश ब्यूडे आउटो काउफन, ओके यस तथास्तु। या बोलो एक एक विश अपनी। हाँ काश मुझे जर्मन आ जाए। सो काश मैं जर्मन सीख जाऊं, वो मतलब है ना। तो इश व्युडे डॉइच लर्नन, इश व्युडे बाल वीर व्युडन क्रिकेट स्पीलन, वीर व्युडन क्रिकेट स्पीलन, ओके। करेक्ट, बिल्कुल। आप कास में जर्मन बोलूं, इस व्यूडे डॉइच एक्सप्रेशन, देखो एक्सप्रेशन आ गई, मतलब एक्सप्रेशन कोखन लर्नन गेहन ब्रिंगन नेमन गेबन, कुछ भी वर्ब आ जाए तो व्यूडे के साथ इन्फिनिटिव लगा दो, कितना इजी। इस व्यूडे हाउस काउफन, व्यूडे काउफन तथास्तु, ओके यस ट्राई करो। इश व्युडे तानसन, ओके। इश व्युडे माइनन मान ट्रेफन, कास उनसे मिलूं। सो इश व्युडे माइनन मान ट्रेफन, व्युडे और ट्रेफन रिश्तिस तथास्तु, ओके। इश व्युडे शी फारन, ओके स्कीइंग कर लूं, या अस्तु। ट्राई करो दो तीन और सेंटेंस, इच्छा भी पूरी हो सकती है। ओके। एक बंदा मेरे को थोड़े दिन पहले कह रहा था, यार हमारा घर नहीं बिक रहा, काश हमारा घर बिक जाए। मैंने कहा हम तो खरीदने की सोच रहे हैं। हाँ तो उसका सपना भाई, वो बिक जाए तो वो कुछ और करे। वीर व्युडन उंजर हाउस फरकाउफन, हाँ हो सकता है, विश हो सकती है किसी की, फिर बिकने में उसके सपने छुपे हुए हैं। यस दो और बोलो, दो सेंटेंस और बोल दो।
इश्वुड है पंकज, इश्वुड है बड़ा पाव ऐसन, इश्वुड है बड़ा पाव ऐसन तथास्तु, या ईश्वर है डोइस लेररिंग, काश मैं जर्मन टीचर बन जाऊं ऐसे बोल रहे हो, तो होना तो वह जाइन से काम चल जाएगा, ईश्वर है डोइस लेररिंग, ठीक है। तो जाइन और हाबन से जब काम चल जाए तो ये व्यूडन को नहीं लाएंगे, ईश्वर है डोइस लेररिंग तथास्तु। एक लास्ट सेंटेंस, इश वेरे बेस्टर स्टूडेंट, इश वेरे ओके स्टेयर में ले रहा हूं, बेस्टर स्टूडेंट या इश वेरे बेस्टर स्टूडेंट इस ओके या स्टूडेंट इन देयर वॉक है ओके या दिस वीक विल बी डीआईईएस और देयर होगा, ऑफ द वीक बोलना चाह रही हो तुम, जैसे हम लोग बोलते हैं ना स्टार ऑफ द वीक, तो काश मैं बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द वीक बन जाऊं, इश वेरे बेस्टर बेस्ट स्टूडेंट इन देयर वॉक है ओके क्लियर। सो ये बात होगी हमारी विश वर्डे इश वर्डे माय माइक्रोसॉफ्ट आर्बाइटन आर्बाइटन आ गई तो व्यूडे से ही बनेगी राइट, इश व्यूडे बाय माइक्रोसॉफ्ट Arbeiten, richtig, das hast du. Okay, so, Kartzeug में हमने point लिखा था wounds, wounds का मतलब है wish, तो ये wish कैसे प्रकट कर सकते हैं, वो आ गया इसमें. फिर Kartzeug में एक Höflichkeit और Ratschläge करके एक word, Ratschläge. राट्सलेगर मतलब है एडवाइस देना किसी को, एडवाइस नॉर्मल एडवाइस देते हैं हम लोग जोलन से, डू डू जोल्स्ट डॉयच लर्नन, तुमको जर्मन सीखनी चाहिए, तुमको घर जाना चाहिए, डू जोल्स्ट ना हाउज गेन, एडवाइस देते हैं तो जोल्स ही देते हैं। सो जो जोलन था उसका कास्वाई जो होता है वो जोल्टन होता है, राष्ट्रीय होता है कास्वाई जोल का जोल्टन होता है, तो इश जोल्ट है, ये पोलाइट तरीका भी है हियोफ्लिशकाइट, हियोफ्लिशकाइट एडवाइस देने के लिए भी और पोलाइटली कोई बात कहने के लिए भी जोलन, ये जोलन तो ओरिजिनल है बट हम लोग कात्स्वाई की बात कर रहे हैं, जोलन का जोल्टन हो जाता है, ये कात्स्वाई है कात्स्वाई फॉर्म जोल्टन, इस जोल्टे डू जोल्टेस्ट एयर जोल्टे एस जोल्टे एस जी जोल्ट है वीर जोल्टन ईयर जोल्टेट जोल्टन जी जोल्टन जी जोल्टन, ये जोलन का जोल्टन हो गया या राट्सलेग है और हियोफ्लिशकाइट पोलाइटनेस और एडवाइस के लिए, अब कोई बोले तुमको घर आप तुमको घर जाना चाहिए पोलाइटली, दिस जोलन से भी नॉर्मल से भी बोल सकते हैं डू जोल्स ना हाउज गेन, लेकिन ये ज्यादा पोलाइट है, कात्स्वाई में आप पोलाइटली भी बात करते हो किसी से, कात्स्वाई यूज कर रहे हो तो ऐसे लगता है कि यार कितना पढ़ा लिखा सभ्य आदमी है, तो काछवा इसलिए भी यूज करना चाहिए सॉफ्ट, कोई बोलता है कैन यू हेल्प मी कुड यू प्लीज हेल्प मी, तो फर्क पड़ता है ना, ऐसे ही काछवाई से फर्क पड़ता है, राट्सलेग है किसी को एडवाइस देनी हो या फियरफुल स्काइट, इसके लिए तीन तीन वर्ब है एक्चुअली,
तीन मोडल वर्ब ऐसी हैं जिनसे काचसोई बनाते हैं जनरली, जोलन है, एक क्योनन है, क्योनन का लेकिन काचसोई फॉर्म हो जाएगा क्योंटन, मैं सीधा काचसोई फॉर्म ही लिख रहा हूं, क्योंटन, जोल्टन, क्योंटन और म्यूस्टन। ओरिजिनली तो म्यूस्टन होता है लेकिन यहां पे मैं लिख रहा हूं म्यूस्टन। सो क्योनन का होगा इश क्योंटे, डू क्योंटेस्ट, एयर क्योंटे, एस क्योंटे, जी क्योंटे, वीर क्योंटन, ईयर क्योंटेट, जी क्योंटन, जी क्योंटन। ओके, म्यूशन का है म्यूस्टन, इश म्यूस्टे, डू म्यूस्टेस्ट, एरेसी म्यूस्टे, 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 वीर म्यूस्टन, म्यूस्टेट, म्यूस्टन एंड म्यूस्टन। यस, तो ये तीन तरह की मोडाल वर्ब है जो आपको काचसोई में दिखेंगी। म्यूस्टन, तो म्यूशन तो जनरली ओरिजिनल जो म्यूशन है वो तो हम लोग तब यूज करते हैं जब कोई अथॉरिटी बोले ये काम करना पड़ेगा, अथॉरिटी बोल सकती है ये, म्यूस्टन भी अथॉरिटी बोलेगी। अथॉरिटी कौन हो सकता है? ऑफिस में बॉस हो सकता है, घर में मम्मी पापा हो सकते हैं अथॉरिटी, क्लास में हो सकता है टीचर अथॉरिटी। सो कोई अथॉरिटी होगा जिसमें पावर है वही काम में लेंगे इनको, लेकिन जब क्या वो पोलाइटली बोलेगा तो क्या इसका असर कम हो जाएगा? असर कम नहीं होगा, वो सभ्य तरीके से कह रहा है बस। जैसे मान लो आपके बॉस ने आपको बोला, मल्टीनेशनल कंपनीज में होता है, वो कहते हैं कि आप पिछले, मैं डेढ़ महीने से आपको ऑब्जर्व कर रहा हूं, डेढ़ महीने में आप केवल चार बार टाइम पे आए हैं ऑफिस, आपको यहां पे टाइम पे आना होगा, अगर अगले 20 दिन और ऑब्जर्व करूंगा, अगर आप टाइम पे नहीं आएंगे तो फिर ये महीना आपका लास्ट है इस कंपनी में। तो पोलाइटली बोल रहा है वो, आपको टाइम पे आना होगा, आपको भी बोल रहा है, और ये भी इनडायरेक्टली, इसमें कमजोरी नहीं है उसकी, एक महीना आपका लास्ट है यहां पे, मतलब उसका पावर अभी भी उतना ही है, लेकिन वो सभ्य आदमी है, वो तू धड़ाक से नहीं कह रहा, राइट? सो ये म्यूस्टन में पावर उतना ही है अभी भी इसको अथॉरिटी यूज करेगा, बट वो सभ्य आदमी है, वो तू धड़ाक पे नहीं आ रहा, वो कह रहा है प्यार से और पूरे उसी पावर के साथ बोल रहा है ये। तो हम लोग कोई पोलाइटली बोलते हैं तो इसका मतलब कमजोर है, ऐसा नहीं है, हमारा पावर उतना ही बना हुआ है अभी भी। सो जी म्यूस्टन प्यूंटलिश कॉमन, जी म्यूस्टन, तो इसके साथ तो मेन वर्ब वैसे ही इन्फिनेटिव आती है, मोडाल वर्ब तो कोई सी हो चाहे वो यहां भी होगी, जी म्यूस्टन। ये पोलाइट है, जी म्यूस्टन प्यूंटलिश कॉमन, एक ही बात है ऐसे समझ लो, लेकिन हियोफिलिस काइट का मतलब है पोलाइटनेस, बंदा पोलाइटली बोल रहा है। जी म्यूस्टन साइटलिस कॉमन, आपको टाइम पे आना होगा, तेरे को टाइम पे आना पड़ेगा, दो दिन और देखूंगा, भगा दूंगा कंपनी से, एक तो बॉस ये बोल रहा है, तेरे को टाइम पे आना पड़ेगा, दो दिन देखूंगा, भगा दूंगा कंपनी से, इसमें बोलेगा वो जी मिस्टर प्यूंटलिश कॉमन। ओके, नक्स वाई थागन या यूडन जी द निष्ट कॉमन, आप
अगर टाइम पे नहीं आएंगे तो 2 दिन बाद में आपको यहाँ हम नहीं आने देंगे। तो अभी भी वो बात वही है, लेकिन सभ्य आदमी थोड़ा इस तरीके से बोलेगा। आप कौन से हो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। म्यूशन बोल सकते हो, म्यूस्टन बोल सकते हो, बट ये पोलाइट है, दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं है। मीनिंग वो का वो है, क्योंन और क्योंटन, क्योंन जी, क्योंन जी में भी आप रेस्पेक्ट तो देते ही हो। कांस्ट डू, कांस्ट डू मेर हेल्प ऑन, हेल्प कर सकता है मेरी क्योंटन, क्योंटन जी मेर हेल्प ऑन, कुड यू प्लीज हेल्प मी, क्योंटन जी कुड यू प्लीज डू मी ए फेवर। कई लोग बड़े पोलाइट से बोलते, इतना पोलाइटली बोलते हैं कि आप कहते हो चलो मेरा तो कुछ नुकसान भी हो जाए तो कोई बात नहीं, तेरी हेल्प करता हूँ पहले तो। तो ये वर्ड्स का ही तो कमाल होता है। तो क्योंटन, क्योंटन जी बेटे मेर हेल्प ऑन, क्योंटन जी बेटे मेर हेल्प ऑन, कुड यू प्लीज हेल्प मी। ये पोलाइटली बोलने का है। जनरली जोलन से एडवाइस राट्स ले गए, और कभी कभी क्योंटन से भी राट्स ले गए होती है। क्योंटन से जैसे कोई बोले कि यार मैं जयपुर आ रहा हूँ वीकेंड पे, जयपुर मैंने कभी घूमा नहीं है, क्या करूँ मैं, कहाँ घूमूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि यू कुड गो टू रामबाग, यू कुड गो टू मे बी फोर्ट, अंबेर फोर्ट, उधर चौकी ढाणी, ये दो एक जगह है। यू कुड गो हियर और देयर, यू कुड, वो यही है एक तरह से, आप उसको एक तरह से पोलाइटली एडवाइस ही दे रहे हो। आइदर हियर, यू कैन भी बोलते हैं ना, यू कैन गो हियर और देयर, तो कैन का ही कुड हुआ है, बस पोलाइट फॉर्म है ये कैन ही है बट पोलाइट वे में। तो जहां जहां भी आप कैन यूज करते हो, क्योंन करते हो, वहां वहां क्योंटन करने लग जाओ, तो ऐसा लगेगा कि आप बहुत भले आदमी हो। अब वो म्यूशन की जगह म्यूस्टन करने लग जाओ, तो आप सुनने में लोगों को लगेगा कि पढ़ा लिखा सभ्य आदमी है। जोलन से जोल्टन करने लग जाओ, हर जगह ही जहां भी आप क्योंन जोलन और म्यूशन यूज कर रहे थे वहां पर इनको रिप्लेस कर दो, लोगों को सुनने में अच्छा लगेगा। इज इट क्लियर? बस और कुछ भी नहीं करना है इसमें, बस ये 3 लर्न करनी है वर्ड। सो वुंश भी हो गया, राट्स ले गए, हियोफ्लिस्काइट भी हो गया। कभी कभी बिरोयुंग और होता है, बिरोयुंग का मतलब है पश्चाताप, पश्चाताप, रिग्रेट। अगर ये डॉक्टर टाइम पे आ जाता ना तो हमारे दादाजी बच जाते। ये कल्पना की बात है, क्या पता आता और फिर भी नहीं बचते, वो अलग बात है, हो सकता है कि आता और नहीं बचते, लेकिन हमको तो लगता है इसने मार डाला, अगर ये टाइम पे आ जाता तो दादाजी बच जाते। ये रिग्रेट के भी सेंटेंस बनते हैं, वो फिर मैं आपको कभी और बताऊंगा, एक साथ ठीक नहीं है, वो अपने कोर्स में भी नहीं है इसमें, बट फिर भी कभी अलग हम लोग देख लेंगे उसको। अभी तक वुंश, राट्स ले गए, हियोफ्लिस्काइट और बिरोयुंग बोलते हैं उसको, रिग्रेट को। काच्वाई का ये यूज है।